जो मकसद था वो पूरा होता नजर आया। शाहरुख खान से जाके पूछिए क्यों, क्यों लेकिन विरोध किए थे इस मूवी में, क्या गलत? भारत के जवान को जो है एजेंट दिखाया गया है, आतंकवादी दिखाया गया है, और पाकिस्तानी को सही दिखाया गया, विरोध तो होना चाहिए। जो लोग सच भी है, एक सच भी है भैया, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा भैया बात सुन लीजिए, सुनिए ना। देखने जा रहे हैं और सिनेमा हॉल में जाके आइसक्रीम लूट ले रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है ये। और हम तो भाई जो भी गुटखा का प्रचार करेगा उसको रे लेंगे, अक्षय कुमार को भी रे लेंगे। इसके बारे में आप लोग, आपने कहा था कि इस मूवी को मैं फ्लॉप करवा दूंगा, लेकिन वह मूवी हिट होती नजर आ रही है, उस पर क्या कहिएगा? वो भारत का पहला ऐसा फिल्म है जिसको प्रोड्यूसर ने बनाने के लिए पैसा लगाया है और फिर चलाने के लिए भी पैसा लगाया है, ठीक है। जैसे कि वो लोग खुद टिकट खरीद के सिनेमा हॉल को हाउसफुल कर दिए हैं, ऐसे सैकड़ों वीडियो, हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं जिसमें जाके आप देखिए सिनेमा हॉल हाउसफुल बता रहा है और उसमें टिकट। आखिरी सवाल जो कि बहुत कड़ा सवाल होगा, शायद आप बोलने से बचते भी हैं बहुत जगहों पे, 2025 विधानसभा चुनाव में क्या मनीष कश्यप जी विधायक का चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए आप अपना हाथ दिखाइए मुझे और बताइए हाथ देख के कि कल आपके भविष्य में क्या होने वाला है। लोग जातिवाद करते हैं और जाति के नाम पे नेता चुनते हैं, तब वो जातिवाद दोषी है, और जो भी जातिवाद के नाम पे नेता को वोट दे रहा है वो दोषी है, उसे सुधारना। मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। अभी हमारे साथ सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप भैया हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले तो स्वागत करेंगे, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, सबसे बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, तीन लोगों का माइक आपने पकड़ा है और तीनों चैनल के मालिकों को, पत्रकारों को तहे दिल से धन्यवाद भैया। औरंगाबाद में हम लोग हैं और आप अभी जहां से आ रहे हैं मंच पे बहुत गुस्से में थे। मंच पे कहां गुस्से में, पूरा चिल्ला चिल्ला के नेताओं को धार रहे थे, सबका नाम लेके तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, क्यों? अरे नहीं, मैं गुस्से में नहीं था, मैं एक रियलिटी बता रहा था कि आखिर बिहार को बनाएगा कौन और बर्बाद कौन कर रहा है। बिहार को बिहार की जनता ही बना सकती है और बिहार की जनता ही गलत नेताओं को वोट देके कहीं नहीं तो कहीं बिहार को गर्त में लेके जा रहे हैं। तो हम सभी को प्रयास करना होगा, पॉजिटिव वे में प्रयास करना होगा, तो वहीं बातें कर रहा था मैं और मैं गुस्से में नहीं था। अच्छा, जहां आए हुए थे सामूहिक विवाह हो रहा था, एक चीज़ देखिए, सब कोई तो पॉजिटिव दिखाता है और मैं भी दिखाता हूँ, लेकिन एक चीज़ वहाँ मुझे बुरा लगा, सब कोई कह रहा था कि फ्री में बिना दहेज के शादी हो रहा है, लेकिन एक अंकल जी आ रहे थे जिनके गाड़ी पे हम लोग बैठे हुए, ट्रैक्टर था बैठे, तो आए तो पूछे कि हम लोग बैठे हैं तो गुस्सा नहीं हो रहा, बोले ना गुस्सा नहीं, तो क्या है आपका शादी हो गया, तो बोले हाँ हो गया, तो पूछे कि दहेज वहेज नहीं ना लगा यहाँ पे, तो कह रहे थे 40,000 रुपया दहेज देना पड़ा है, तो फिर फ्री का शादी कहाँ से हुआ, रोने लगे बोल के बाद। वीडियो भी है मेरे पास। अब उसमें कहीं वो अपने बेटी के लिए लड़का को दे दिए होंगे 40,000 रुपया, तो वो अलग बात है, उनको नहीं देना चाहिए था, और उसके लिए वो अंकल जी दोषी है जो कैसे, तो फिर शादी नहीं कर पाएंगे। अरे तो दूसरे लड़के से करते, ऐसे दुनिया में बहुत सारे लड़के हैं जो दहेज दे के शादी करने के लिए तैयार हैं आज के समय में, उल्टा हो गया है आज के समय में, एगो बार जान जाइए, चूंकि लड़कियों की संख्या कम है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, तो बहुत सारे देखिए हम लोग जो है एक ही पहलू देखते हैं, नारी सशक्तिकरण का, नारी उत्थान का, महिला आयोग का, ये सारी चीज़ें होना भी चाहिए और इस पर चर्चा भी होना चाहिए, नारियों को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उनको सम्मान हम नहीं दे पाएंगे तो शायद हम किसी को सम्मान नहीं दे सकते, लेकिन साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी तो बात किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई लड़का 40,000 रुपया जो है वो दहेज मांगा है और आप 40,000 रुपया दे के अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं, तो उसमें कहीं नहीं तो कहीं आप गलत है, आपकी बेटी भी गलत है, उनको भी तैयार नहीं होना चाहिए कि जो लड़का जो है उनका सम्मान नहीं करता है और अभी भी दहेज मांग रहा है, तो ये कहीं नहीं तो कहीं दोनों तरफ से गलतियां हो रही है और दोनों तरफ से सुधार जब हो जाएगा उस दिन दहेज खत्म हो जाएगा। अच्छा, बिहार के लोगों से आप हर जगह भी, हम एक चीज़ देख रहे हैं कॉमन, आपके हर एक लगभग ज़्यादातर इंटरव्यू में कहते हैं कि बिहार के लोग दोषी हैं कि वो एक गलत नेताओं को चुनते हैं, और यह सच भी है, एक सच भी है भैया, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा भैया बात सुन लीजिए, सुनिए ना, मैं कहता हूँ कि बिहार के लोग जातिवाद करते हैं और जाति के नाम पे नेता चुनते हैं, तब वो जातिवाद दोषी है, और जो भी जातिवाद के नाम पे नेता को वोट दे रहा है वो दोषी है, उसे सुधारना होगा। अगर बिहार को लगता है कि बिहार के जो गांव के लोग हैं इस मानसिकता को बदल पाएंगे कभी जिंदगी में, शराब और बिना मीठ खाए बिना 500 रुपया लिए वोट कर सकते हैं? अच्छा, आपको लगता था 10 साल पहले कि आज आप पत्रकार बनेंगे? क्रिकेटर बनना चाहते थे, आपको लगता था 10 साल पहले कि आपके पास जो है स्मार्टफोन रहेगा? नहीं लगता था, आज है ना आपके पास, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में खड़ा होकर मोबाइल पे फोन पे बातचीत कर रहे हैं ना,
अब 5G भी आ गया है, तो जैसे जैसे जमाना बदल रहा है बिहार भी बदलेगा, आज नहीं तो कल 100% बदलेगा। अच्छा भैया एक चीज और पूछेंगे, आपका एक पोस्टर बहुत ज्यादा लोगों ने उस पर विवाद शुरू कर दिया, हालांकि विवाद का कोई मैटर था नहीं, जहाँ लिखा गया था कि हर एक गरीब से गरीब का बेटा अब IAS अधिकारी बन सकता है, लेकिन उस पर लोग तमाम लोग जाकर नाम नहीं लूंगा किसी का, हालांकि आप भी जानते हैं मैं किसी के बारे में पूछ रहा हूँ और मैं भी जानता हूँ, लेकिन नाम नहीं लूंगा, आखिर आपका कोई प्रयास होता है उस पर विवाद का है? उस पोस्टर में कहीं कुछ गलत शब्द लिखा हुआ है? अभी शब्द गलत है, ठीक है। पटना में ऐसे हजारों जगह पे गुटखा का प्रचार का पोस्टर लगा हुआ है, इससे बड़ा बड़ा पोस्टर लगा और बड़ा बड़ा नहीं, हमारा भी बहुत बड़ा है, उससे बड़ा तो गुटखा का प्रचार का पूरे बिहार में नहीं लगा, ये तो दावा गारंटी कहते हैं। लेकिन मोबाइल कंपनियों का लगा है उससे बड़ा? हाँ मोबाइल कंपनियों का लगा है, लेकिन ये गारंटी कहते हैं कि उससे बड़ा बैनर जो है ना किसी भी गुटखा छाप कलाकार का तो नहीं लगा, ये तो पूरे बिहार में हम चैलेंज करते हैं, ठीक है। लेकिन गुटखा का जो भी जहाँ भी प्रचार लगा हुआ है वहाँ पे भी जाके बनाइए वीडियो, क्योंकि 10 लाख लोग जो है धूम्रपान के वजह से सालाना मर रहे हैं, लगभग 3,000 लोग जो है पर डे मर रहे हैं, तो ये आंकड़ा जो है अपने आप में डराने वाला है। अच्छा भैया एक आखिरी सवाल जो कि बहुत कड़ा सवाल होगा, शायद आप बोलने से बचते भी हैं बहुत जगहों पर, 2025 विधानसभा चुनाव में क्या मनीष कश्यप जी विधायक का चुनाव लड़ेंगे या नहीं? देखिए आप अपना हाथ दिखाइए मुझे और बताइए हाथ देख के कि कल आपके भविष्य में क्या होने वाला है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। वैसे ही हम लोगों को नहीं पता है कि कल क्या होगा, आज जो कर रहे हैं उसमें संतुष्टि मिल रहा है, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, अगर लोगों ने चाहा तो क्यों नहीं, एकदम बिल्कुल, और अगर लोगों ने कहा कि नहीं आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए तो वही करते रहेंगे। अगर कल जो है लोग जो है वो पूरे ब्रह्मांड का चुनाव लड़ा देंगे, लड़ जाया जाएगा, लोग कहेंगे कि नहीं आप जो कर रहे हैं वही कीजिए तो वही करेंगे, तो भविष्य किसी ने देखा नहीं है, वर्तमान में जीना सीखना होगा हम लोगों को, और वर्तमान में हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। एक मूवी था जिसके बारे में आप लोग आपने कहा था कि इस मूवी को मैं फ्लॉप करवा दूंगा, लेकिन वह मूवी हिट होती नजर आ रही है, उस पर क्या कहिएगा? वो भारत का पहला ऐसा फिल्म है जिसको प्रोड्यूसर ने बनाने के लिए पैसा लगाया है और फिर चलाने के लिए भी पैसा लगाया है, ठीक है। जैसे कि वो लोग खुद टिकट खरीद के सिनेमा हॉल को हाउसफुल कर दिए हैं, ऐसे सैकड़ों वीडियो हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़े हैं जिसमें जाके आप देखिए सिनेमा हॉल हाउसफुल बता रहा है और उसमें टिकटें खा ली हैं, जाके देखिए आप, पहला चीज। दूसरा चीज 5,000 स्क्रीन पे भारत में वो फिल्म लगा है, कितना स्क्रीन में, और 55 करोड़ का बिजनेस उसने किया है पहला दिन, कितना करोड़ का, 55 करोड़ का, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ हुआ, 55 करोड़ डिवाइड बाई 5,000 स्क्रीन पे, ठीक है, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,10,000 पर स्क्रीन जो है उस फिल्म ने कमाया है, पर स्क्रीन, एक स्क्रीन पे कितना सो चलता है, 400 चलता है, 500 भी चल रहा है, लेकिन हम 400 अगर कंसिडर करें तो डिवाइड बाई 4 27,000 रुपया वो पर स्क्रीन फिल्म ने कमाया है। अगर एक टिकट का दाम जो है हजार हजार रुपया में भी पठान का टिकट बिका है, एक टिकट का दाम अगर हम 300 रुपया पकड़ रहे हैं, 400 एवरेज हम नहीं पकड़ रहे हैं, 500 एवरेज नहीं पकड़ रहे हैं, 300 एवरेज पकड़ रहे हैं, तो डिवाइड बाई 300 पर टिकट, यानी एक सिनेमा हॉल में 90 लोग बैठ के फिल्म देखे हैं, कितना लोग, 90 यहाँ पे देखिए, और देखिए कुछ जगहों पे तो 50 बताया जा रहा है, देखिए, और ये कैलकुलेशन कोई भी कर सकता है, 90-91 लोग बैठ के देखे हैं एक सिनेमा हॉल में, 91 लोग में हाउसफुल हो जाएगा बबुआ, होगा ना, 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 तो वो भारत का पहला ऐसा फिल्म है जो प्रोड्यूसर को 2 बार घाटा दिया, एक बार बनाने के लिए 350 करोड़ रुपया और फिर उसका टिकट खरीदने के लिए 350 करोड़ रुपया का जो मकसद था वो पूरा होता नजर आया। उस शाहरुख खान से जाके पूछिए क्यों, लेकिन देखिए मूवी में क्या गलत, भारत के जवान को जो है एजेंट दिखाया गया है, आतंकवादी दिखाया गया है, और पाकिस्तानी को सही दिखाया गया, विरोध तो होना चाहिए, जो लोग देख रहे हैं वो कहीं नहीं, और देखिए देखने भी कैसे लोग जा रहे हैं, कोटा में सिनेमा हॉल में जो है आइसक्रीम लूट लिए, यानी देश को लूटने वाले लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, जाइए कोटा का सिनेमा हॉल का वीडियो वायरल है, जाके देखिए, अब जरा दो देखिए वो कैसे संस्कारी लोग हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं और सिनेमा हॉल में जाके आइसक्रीम लूट ले रहे हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं गलत है ये, और हम तो भाई जो भी गुटखा का प्रचार करेगा उसको रे लेंगे, अक्षय कुमार को भी रे लेते। आखिर में बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे लिए क्या कहिए, आप तीनों चैनल के लिए मैं बस इतना ही कहूँगा कि इन लोगों को ढेर सारा प्यार दे और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। जय हिंद, जय हिंद।